भारत चीन बातचीत पर इस वक्त की बड़ी खबर, चीन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर, पैंगोंग हॉट स्प्रिंग डेपसांग से हटने को तैयार नहीं पीएलए। भारत चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल सर की बातचीत जारी है। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सुमित है। सुमित, ये हैरान करने वाली रिपोर्ट आ रही है, क्या जानकारी है? बात यह की करीब करीब 12 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी ये कमांडर लेवल की बातचीत जो है जारी है। 6 राउंड की बातचीत हो रही है। सबसे खास बात ये निशांत की अभी भी जो मेन इशू है, जो मेन लगातार बातचीत है, वो डेपसांग पैंगोंगसो और दूसरे इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर लगातार गतिरोध को लेकर ही बातचीत हो रही है। और निशांत अभी भी चीन की सेना की तरफ से, पीएलए की तरफ से कोई सॉलिड या फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और माना यह जा रहा है कि नहीं, लेकिन लेकिन सुमित उस 5 सूत्री एजेंडे का क्या हुआ? देखिए अभी तक उस 5 सूत्री एजेंडा पे कोई, मैं आपको वही बता रहा था कि कोई अभी तक सहमति नहीं बनी है और चीन की तरफ से लगातार ये बातें अभी भी कही जा रही हैं कि इस पर और डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन जो हम बात कह रहे थे, जो हम बात सोच रहे थे कि चीन लगातार पीछे हटेगा नहीं हटेगा, डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार होगा नहीं होगा, उसको लेकर अभी तक कोई क्लियरिटी या फिर कोई डिसीजन एक पॉइंट पर आकर नहीं बना है। लेकिन सुमित 12 घंटे हो गए हैं, अगर 12 घंटे हो गए तो इसका मतलब साफ है कि अभी भी इसमें कई बॉटलनेक्स हैं। यानी कि जब डिप्लोमैट्स बैठे हैं और फॉरेन सेक्रेटरीज ने अगर किसी चीज पर हामी भरी, वो सब शून्य हो जाता है, सिफर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, यही बात मैं लगातार कह रहा हूँ कि अभी भी सहमति किसी बात पर नहीं बनी है और यही वजह है कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी अगर सहमति नहीं बनी है तो इसका मतलब यह है कि चीन सेना पीछे हटने को तैयार नहीं हो रही है। हालांकि बातचीत अभी भी जारी है, अभी भी आउटकम को लेकर क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है निशांत, ये बात निश्चित तौर पर तय है कि चीन अगर पीछे नहीं हटा तो ये स्टैंड ऑफ, ये गतिरोध और लंबा खिंच सकता है। निशांत, मुझे तो इससे आगे की कहानी दिख रही है सुमित, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।